नंबर सिक्स तक फाइव फोर तक बताए थे, आज नंबर फाइव से बता रहे हैं। तो नंबर फाइव में है कहते हैं ड्रॉ द फॉलोइंग फिगर्स यूजिंग ए रूलर, यानी स्केल से इसको बनाना है। जैसे फाइव का ए है, रे कहता है टी आर, तो यहाँ तो रे में यह मालूम है कि एक इंड पॉइंट होता है, तो यहाँ यह टी हो गया, यह हो गया आर, यह हो गया टी आर, जो है यह हो गया रे। जैसे नंबर बी है, यहाँ बी में कह रहा है लाइन सेगमेंट ए सी, तो लाइन सेगमेंट में दो इंड पॉइंट होता है, तो यह जो है यह हो गया लाइन सेगमेंट, इसका नाम लिखेंगे ए और सी। नंबर सी है यहाँ ए वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन ऊपर से नीचे होता है, यह जो है यह लाइन, यह तुम्हारा वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन में तो वर्टिकल लाइन कुछ कोई भी नाम दे दो, यहाँ एक्स दे दो, यहाँ वाई दे दो। उसके बाद है ए पॉइंट क्यू, नंबर डी में जो है एक पॉइंट लिखना है, उसका नाम जो है क्यू देना है। तो यह भी हमेशा याद रहेगा, पॉइंट जब भी इंगित किया जाता है तो कैपिटल लेटर से। अब नंबर सिक्स में कहते हैं ड्रॉ एन एंगल एंड नेम इट्स आर्म एंड वर्टेक्स, ऑल्सो राइट व्हाट टाइप ऑफ एंगल इट इज। अब मान लो जैसे कि यह एंगल हम बनाए, तो यहाँ पर यह जो है यह लिखे यहाँ ए या ओ या बी, तो इसमें कह रहा है कि ड्रॉ एन एंगल नेम इट्स आर्म, तो आर्म लिखेंगे यहाँ, आर्म इज इक्वल टू ओ ए एंड ओ बी। वर्टेक्स यहाँ पर लिखेंगे वर्टेक्स इज इक्वल टू वर्टेक्स ओ। ऑल्सो राइट का तो व्हाट टाइप ऑफ एंगल इट इज, तो लिखेंगे देयरफॉर इट इज एन एक्यूट एंगल, बस हो गया, यही तो लिखना था नंबर सिक्स में। नंबर सेवन, सेवन कह रहा नेम द एंगल्स सोन इन द फॉलोइंग फिगर, फिगर में जो नाम दिया हुआ है उसके अनुसार कहता है एंगल का नाम लिखने के लिए, आ क्लासीफाई देम एज एक्यूट ऑब्टूज स्ट्रेट और राइट एंगल्स, कौन एंगल जो है एक्यूट है, कौन ऑब्टूज है, कौन स्ट्रेट है और कौन राइट है। तो सेवन का ए जो है यह तुम्हारा एक्यूट एंगल है, ए सी यू टी एक्यूट एंगल, नाम दे दो पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू। फिर नंबर बी में राइट एंगल है, ये राइट एंगल यह है ए ई डी, एंगल ए ई डी। नंबर सी जो है यह है ऑब्टूज एंगल, ऑब्टूज एंगल, इसका नाम है एस ओ टी, एंगल एस ओ टी। इसी प्रकार नंबर एफ देख लो यहाँ, इसी प्रकार से डी जो है यह राइट एंगल है, ई जो है एक्यूट एंगल है, नंबर एफ जो है यह है स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, यह तुम्हारा पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। बस यही एक्सरसाइज था।